देखो छोटू, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से तुम्हारा ये डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, तुम देख लेना कि दोनों के बीच में 10 मीटर है, उससे बराबर दूरी पर है ऑब्जर्वर, वो सब देख लेना, आ जाएगा। तो हमको कह रहा है क्या कि इसको कितना बीट सुनाई देगा। ठीक है, तो जब ऑब्जर्वर इधर चल रहा है, सॉरी सोर्स इधर चल रहा है, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी उधर होगा ना जी। पढ़ाते वक्त ही बताए थे कि डॉपलर इफेक्ट में उस दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? या ऑब्जर्वर का वेलोसिटी या सोर्स का वेलोसिटी देखते हैं, परपेंडिकुलर नहीं। तो ये इधर जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक इधर होगा। तो हमको ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाले से कोई मतलब नहीं, केवल इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसके तरफ जा रहा है, तो एफ एपरेंट का फॉर्मूला कितना होगा, एफ इंटू भी प्लस भी नॉट होता था, तो भी हो गया लिख दिए, और ऑब्जर्वर क्या है रेस्ट में, तो यहां पर क्या कर दिए, जीरो कर दिए, बटा भी। अब देखो, चूंकि सोर्स उसके तरफ जा रहा है तो बढ़ाने का काम करेगा, तो बढ़ेगा कब, जब नीचे में माइनस रहेगा, तो यहां पर माइनस दिए। समझ आ रहा है कि नहीं? अब हम लोगों को क्या देखना है, समझना। तो एफ वन ये निकाल लिए छोटू, एफ टू भी वैसे ही करके निकाल लोगे। अगर यहां पर देखोगे तो इसका जो इधर जा रहा है, तो उसको इसके लाइन में ना लिखोगे जी, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। तो ट्रांसवर्स वाले से नहीं मतलब है, क्योंकि मिलाने वाले से, केवल मिलाने वाले लाइन से, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम से मतलब है। ठीक है, तो फिर इसके लिए फॉर्मूला तुम लिखोगे, तो कितना लिखोगे बताओ। तो F इंटू भी, ऑब्जर्वर रेस्ट में है और चूंकि दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, तो नीचे में देखो क्या हम लोग यूज किए हैं, प्लस यूज किए हैं सोर्स वाला में। ठीक है, अब तुम अगर इस दोनों का चेंज लोगे ना, तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन आ जाएगा। तो देखो दिमाग समझना क्या हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि 330 के रिस्पेक्ट में नहीं ये वाला बहुत कम है, 330 के रिस्पेक्ट में 2 ही बहुत कम है। और उसके बाद तुम 2 cos थीटा लगाओगे, तो cos थीटा का वैल्यू देखो डायग्राम से कितना आ रहा है, 15/13 आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 2 करके देखोगे तो यहाँ आ जाएगा 10/13। तो एक है 330 या एक है 10/13, मैंने एक 1 से भी कम और एक 330 है, तो नहीं लग रहा है डिफरेंस बहुत ज़्यादा का है। तो आपको क्या बताए थे कि जब भी प्लस माइनस में रहे और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हो, तो दो केस, या तो नेग्लेक्ट कर देते हैं या बाइनोमियल एक्सपेंशन का सहारा लेते हैं कॉमन घींच करके। तो नेग्लेक्ट तो इसलिए नहीं करेंगे कि दोनों जगह अगर नेग्लेक्ट कर दोगे तो जीरो सुनाई देगा। तो ऐसा तो क्या बताए थे कि जब कम का चेंजिंग हो तो वही वाला इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो हम क्या किए छोटू यहाँ पर, कि 330 को कॉमन कर लिया। तो 330 को जैसे कॉमन करोगे तुमको क्या लगेगा, इतना आएगा। अब 1 माइनस है, ये बहुत छोटा क्वांटिटी है ना जी, तो ये बहुत छोटा क्वांटिटी, तो इसको क्या किए हम लोग, ऊपर ले गए। तो 1 माइनस एक्स पर पावर 1 था नीचे में, तो ऊपर में हो गया माइनस 1, और 1 माइनस एक्स पर पावर माइनस 1, तो आगे गिरेगा तो 1 प्लस एक्स होगा, तो ये वाला होगा। उसी ढंग से हम लोग क्या कर लिया, ऐसा इसलिए किए ना कि अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता। तो क्या किया जाता है कि जब भी नीचे में प्लस माइनस रहता है और कम का चेंजिंग रहता है, तो बड़ा वालों को कॉमन करके एक जगह पर 1 बना लिया जाता है। कितना बना लिया जाता है, एक जगह पर 1 बना लिया जाता है, दूसरे को छोटा, ताकि तुम बाइनोमियली उसको क्या कर सको, एक्सपेंड कर सको। तो दोनों को निकाल लिए और उसके बाद बीट कितना होगा, एफ वन माइनस एफ टू सोल्व किए तो आंसर चला आ गया। ठीक है, लेकिन ये PhD मेथड है, स्मार्ट मेथड क्या है, देखो यहां दिमाग कैसे काम करेगा। साउंड डॉपलर इफेक्ट और लाइट डॉपलर इफेक्ट में क्या अंतर होता है ना, कि साउंड वाला में सोर्स का जो स्पीड होता है वो बहुत कम नहीं होता है, किसके रिस्पेक्ट में, साउंड वेव के रिस्पेक्ट में। और लाइट वाला में क्या होता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, किसके रिस्पेक्ट में, माने सोर्स का या ऑब्जर्वर का जो रिलेटिव होता है वो बहुत कम होता है, किसके रिस्पेक्ट में, लाइट के स्पीड के रिस्पेक्ट में। तो वहां पर फॉर्मूला लगाते हैं अलग, यहां अलग लगाते हैं। लेकिन इस केस में क्या देखोगे कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर किस में है जी, रेस्ट में है, और इसका जो वेलोसिटी है, तो ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो जो सोर्स का वेलोसिटी होगा वही रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो देखा जा रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी बहुत कम है साउंड के वेलोसिटी से, तो ये कंडीशन मैच नहीं कर गया लाइट वाला से, कि लाइट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी बहुत कम होता है। उसी ढंग से यहां देखा गया कि जो वेव का स्पीड है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है छोटू, बहुत कम है। इसका मतलब क्या समझे, कि इस केस में तुम लाइट वाला भी लगाओगे तो रिजल्ट चलाएगा, क्योंकि कंडीशन तो मैच कर गया। ठीक है, तो यहां देखो, यहां देखो, तो हम लोग क्या किए हैं जी, कि लाइट वाला लगा दिए हैं। समझ आ रहा है, तो लाइट में होता है ना डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू भी बाई सी, तो यहां भी किया डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू भी
रिलेटिव तो भी रिलेटिव, एक रेस्ट में है तो दूसरा का भी रिलेटिव, जो वेलोसिटी होगा वही भी रिलेटिव हो जाएगा। तो भी रिलेटिव बाई वहां लिखते थे सी वेव का, लाइट का वेलोसिटी, यहां पर साउंड का लिखे हैं और इसको है जो कि सोल्व किया। तो देखिए यहां आ गया, लेकिन देखो चलो ऑब्जर्वर सॉरी सोर्स चल रहा है ऑब्जर्वर के तरफ, तो इतना से क्या हो गया फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, समझ आ रहा है कि नहीं। और ठीक उसी ढंग से क्या करोगे, अगर इसके बारे में बात करोगे तुम तो क्या देख रहे हो बताओ, तो ये दूर जा रहा है तो डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू वी बाई सी लगाओगे, वी रिलेटिव बाई सी, लेकिन इसमें क्या होगा छोटू, घटेगा क्योंकि दूर जा रहा है, तो सोल्व करोगे तो इतना से घट गया। तो माने समझ लो कि ये है 1430 है, तो एक के कारण इतना बढ़ गया और दूसरा कारण क्या हुआ कि इतना घट गया, समझ आ रहा है कि नहीं। तो जो चेंज हुआ वो किसके बराबर हुआ, तो जितना से ही बढ़ा जितना से ही घटा दोनों का मैग्नीट्यूड को जोड़ोगे तब ना आएगा जी, अरे एक के कारण इतना हुआ ज़्यादा और एक के कारण इतना कम हुआ, तो गैप इतना ना हो गया जी। तो क्या किए कि जितना उसमें बढ़ा जितना इसमें घटा तो दोनों को जोड़ेंगे तो गैप आ जाएगा, तो दोनों को जोड़े तो देखिएगा क्यों आंसर चला है, क्योंकि वही तो बीट है। तुम ये नहीं बोलना कि सर बीट में तो एफ वन माइनस एफ टू निकलता है, बीट मतलब वो चेंज फ्रीक्वेंसी का, तो एक के कारण इतना बढ़ा पांच से और दूसरा कारण है जो कि तीन से घटा, था नेट दोनों में कितना चेंज हो गया, तो 5+3 8 ना हो गया जी, तो वही काम यहां पर किए थे, आंसर चला गया, समय आ रहा है कि नहीं। तो इस ढंग से डील, तो ये ज्यादा स्मार्ट है, नहीं देख रहे कि तुरंत बना दिया, ये वाला क्या किया है लेंदी किया, ठीक है ओके।